हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है लोटस प्लांट को लेकर। मैंने ये लोटस प्लांट सीड से ग्रो किया है और आज के डेट पे मेरे प्लांट्स में इस साइज़ के पत्ते हैं। तो मैं अपने लोटस प्लांट का किस तरह से केयर करती हूँ, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली। सो स्टे ट्यून। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से अपने लोटस प्लांट के लिए घर में एक मिक्सचर मैनवर बनाया है। और उसके लिए मुझे सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है ये ग्रोमोर। ये इजीली आपको किसी भी नर्सरी में अवेलेबल है। ये बैलेंस्ड एनपीके है। ये पोटाश है, जो लाल पोटाश के नाम से जाना जाता है। इन दोनों चीज़ के साथ लगता है डीएपी। डीएपी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो रूटिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो हमको लगेगा डीएपी, जो ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैकिश दाना दाना दिखेगा। ये है बोन मील, आपको ये बोन मील भी लगेगा। इसके बाद आपको लगने वाला है जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है सरसों के नीम की खली। ये है नीम की खली। जो आपको इंग्रेडिएंट्स मैं दिखा रही हूँ, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली किसी भी नर्सरी में अवेलेबल होंगे। ये है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको नर्सरी के लैंग्वेज में बोलते हैं इप्सम सॉल्ट। तो अगर आप किसी भी नर्सरी में जाके इप्सम सॉल्ट बोलेंगे तो वो आपको दे देंगे। ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है, ये मैंने मेडिकेटेड शॉप से खरीदी है, इसलिए वो इस तरह के डब्बे में है। नहीं तो नर्सरीज में लूज मिलता है, तो आप इसको नर्सरी से लूज परचेज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि मुझे ये इंग्रेडिएंट्स को किस प्रोपोर्शन में मिक्स करना है। ये बहुत अच्छा मैनवर बन गया है, क्योंकि मैंने एक बार ही इसको यूज़ किया है और मेरे पत्तियों का साइज़ आप अभी देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा हो गया है। मैंने एक स्पून लिया है ग्रोमोर का। आप जो भी स्पून यूज़ करना चाहे आप वो स्पून यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको इक्वल प्रोपोर्शन ही सारे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। मतलब अगर आपने वन स्पून ग्रोमोर लिया है तो वन स्पून पोटाश भी लेंगे और वन स्पून डीएपी भी लेंगे। अगर आप हाफ स्पून ले रहे हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हाफ हाफ स्पून लीजिए। पूरा इंग्रेडिएंट इक्वल प्रोपोर्शन में ही मिक्स होगा। ये डीएपी मैंने ऐड कर दिया है ग्रोमोर के साथ। अब मैं ले रही हूँ नीम खली। नीम खली भी मैंने एक स्पून ही लिया है। अगर आप लोग को ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो सिर्फ आप डीएपी को एक पुड़िया बना के, जो आपका लोटस प्लांट का मट्टी है नीचे में, वहाँ पे पुड़िया को दबा दीजिए, ये बोन मील है, तो उसी से ही आपका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने लोटस प्लांट का ट्यूबर लिया है तो उसमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें आप इजीली ग्रोथ ले सकते हैं। पर क्योंकि मैंने सीड से लिया था, सीड्स को घिस के फिर मैंने सीड से इसको डेवलप किया है, इसीलिए जब तक इसका एरियल ब्रांचेस नहीं आता है तब तक इसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी, इसीलिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए हैं। ग्रोमोर डाला है, डीएपी डाला है, बोन मील, फिर नीम खली, एप्सम सॉल्ट और पोटाश। ये सारा चीज़ को अब मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसका एक कपड़े की पुड़िया में इसको मैं भरूँगी, क्योंकि मेरा जो पॉट है वो काफ़ी बड़ा है और इसीलिए मैंने जितना इंग्रेडिएंट्स लिया है वो दो तीन महीने के लिए सफिशिएंट है। मैंने इसमें इसको कपड़े की पुड़िया में भर के इसको जो मेरे लोटस का जो
टब है उसके अंदर में जितना मट्टी है उसी के नीचे में मैं इसको दबा दूंगी। अगर आप सिर्फ डीएपी डाल रहे हैं तो आप हर 7 दिन में 4 से 5 दाना डीएपी वैसे ही पुड़िया बना के अंदर दबा दीजिए। अगर आपके पास डीएपी नहीं मिल रहा है तो जो नॉर्मल एनपीके है जो मैंने ग्रोमोर दिखाया, आप उसके भी 4 से 5 दाना को कपड़े में रैप करके डाल सकते हैं, पुड़िया बना के अंदर डाल सकते हैं। अगर कपड़े में नहीं कर पा रहे तो मट्टी का एक लोई बना लीजिए, उसके अंदर फंसा के इसको दे दीजिए। पर हाँ, जब तक एरियल रूट्स नहीं आएगा तब तक आपको इसमें ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो देखिए, इसको डालने के 10 दिन के बाद मैं मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आप लोग में से किसी के घर में लोटस है तो आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। अब जब एरियल रूट्स आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें जो आगे कंटिन्यू होगा वो होगा बैलेंस एनपीके और डीएपी। एक वीक में 4 से 5 दाना डीएपी का डलेगा, अगले वीक बैलेंस एनपीके का 4 से 5 दाना डलेगा, और ये ऐसा कंटिन्यूस में करते रहेंगे जब तक इसमें फ्लावरिंग नहीं आ जाती। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।